संभल उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हथियारों से हमला कर एक सर्किल पुलिस ऑफिसर सहित 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर बदमाशों द्वारा जघन्य अपराध किया गया था, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला सचिव शहीद अख्तर इसराइली के नेतृत्व में शहर के मोहल्ला हिलाली सराय में कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खिराज अकीदत तो वही शहर कांग्रेसी कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद के नेतृत्व में आलमसराय स्थित जमजम पब्लिक स्कूल में कानपुर कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस के 8 जवान शहीद हुए हैं। उनकी शहादत पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी अपने कार्यालय पर उन शहीद 8 जवानों को 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देती है और उनके परिवार वालों को इस दुख के संकट के समय में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो ऐसी दुआ करती है, ऐसी कामना करती है। और एक सवाल भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है, ये इस मुठभेड़ ने साबित कर दिया है। ऐसे में योगी जी को इस घटना से सबक लेते हुए अपने मठ वापस लौट जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हम कांग्रेस की मांग करते हैं।